अगर हम कंपोस्ट की बात करते हैं सो इट्स नॉट अ यूनिक आइडिया। हमने रिस्क लिया, हमने नॉर्मल प्रोडक्ट को लेके उसको थोड़ा और डेवलप करके, उसे और थोड़ा इनोवेट करके, उसे एक न्यू प्रोडक्ट की तरह पेश करके हमने अपनी सेलिंग करी। जब हमारे स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम आया, जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें इंकरेज करा कि जो हमने अपने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के लिए होममेड 100% नेचुरल कंपोस्ट जो बनाया था, वी कैन टेक दैट एज अ बिजनेस इन दिस करिकुलम। आर सीड मनी वॉज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इन आर बैंक अकाउंट। व्हेन वी मेक अ कंपोस्ट वी यूज द डिक पिक मेथड फॉर आर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट विच इज अ रियली लॉन्ग प्रोसेस, like 30 days to 40 days it takes. But for our EMC project, we need to cut off this time, like from 40 days to 20 days. So we use specialized bucket method and earthen pots to make our compost. हमने जो अपनी कंपोस्ट बनाई है उसको हमने मल्टीपर्पज इसलिए कहा है क्योंकि हमने नॉर्मल सैंड नहीं, रिवर्स सैंड यूज़ करा है, और हमने वर्मी कंपोस्ट, इसमें नीम केक, बोन मील, एंटी फंगिसाइड, फॉर्म ग्रेनुअल्स, वो हमने सब इसके अंदर मिलाया। आप किसी भी प्लांट में अगर इसको आप डालेंगे तो उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब इसमें अवेलेबल होंगे। जो हेबी का आइडिया था वो यही था कि हमें नेचर को वापस लाना है, जितना हो सके हमें अपने बस ग्रीन को फैलाना है।